सातवें महामंडलेश्वर किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंदगिरी अखाड़ा द्वारा सर्किट हाउस माती में किन्नर समुदाय हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किए जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी नेहा जैन, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से किन्नर समाज के लोगों को लाभान्वित करने हेतु किन्नरों का पहचान पत्र बनवाएं तथा उनके निवास हेतु अलग वार्ड चिन्हित किए जाएं तथा समस्त थानों में किन्नरों की सुनवाई के लिए अलग सेल का भी निर्माण किया जाए। इस मौके पर समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा शंकर ने बताया कि जनपद में 47 किन्नर चिन्हित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि इन चिन्हित किन्नरों के पहचान पत्र बनाए जाने हेतु कार्यवाही शासन के निर्देशों के तहत किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि किन्नरों का आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाए। मौके पर क्षेत्राधिकारी अकबरपुर, DPRO, जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश यादव आदि उपस्थित रहे। आज हमारे किन्नर कल्याण बोर्ड की इसमें कानपुर देहात में बैठक हुई। इसमें यही बात हुई कि सबसे पहले पहचान पत्र बनाना जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा किन्नरों के पहचान पत्र बनाएं और सरकार के जो भी योजना है उसका लाभ मिले। और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत शीघ्र काम हो रही है, जैसे किन्नरों के लिए स्वास्थ्य विभाग अलग से वार्ड बनाने के लिए, तो उसके लिए भी हमने बात रखा। और किन्नरों के लिए थाने में, हर थाने में एक अलग से सेल बनाने के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे बात हुई और बहुत सारे मुद्दे पे बातें हुई। तो हम चाहती हूँ कि अगली बार की बैठक में आए तो सारा काम का रिजल्ट मिले। जैसे